हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अपन द्विविभाजन या बहुविखंडन में अंतर। चलो, द्विविभाजन में क्या है, केवल दो संतान बनाते हैं। बहुविखंडन में एक जन्म से कई संतान जीव बनते हैं। द्विविभाजन में जनक जीव का केंद्रक केवल एक बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। दूसरी तरफ जनक का केंद्रक कई बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। द्विभाजन में कोशिका द्रव्य भी दो समान भागों में बांट जाता है। और बहुविखंडन में कोशिका द्रव्य प्रत्येक संतान केंद्र के चारों ओर एकत्रित होकर नए संतान जीव बनाता है। द्विभाजन में कोशिका द्रव्य अवशेष के रूप में नहीं बचता, और बहुविखंडन में कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा बहुविखंडन के बाद बचती हैं। इसमें जो बहुविखंडन जब हो जाएगा तो उसके बाद बच जाती हैं। द्विविखंडन के कारण जीव अमर हो जाते हैं, जो द्विविखंडन हो जाता है उसके कारण जो है अमर हो जाते हैं। बहुविखंडन से जीव को अमृत्व नहीं मिलता, द्विविखंडन केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। जो अनुकूल परिस्थिति आती है, जो भी उसके समय है, उसी में ये होता है। अब बात करते हैं बहुविखंडन अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियों में होता है। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना बैक्टीरिया आदि में द्विविभाजन होता है। और बहुविखंडन में उदाहरण प्लाज्माटोमी तथा मोनोसिस्टिसा में होता है, अगर आप ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। अब बात करेंगे अपन प्लाज्माटोमी पर। क्या है आज प्लाज्माटोमी? प्लाज्माटोमी इस अलैंगिक जनन में एक बहुकेंद्रीय जनक से बिना केंद्रक विभाजन हुए बहुकेंद्रीय जीवों का निर्माण होता है। चलो दोबारा बताता हूँ, आपकी समझ में नहीं आएगा। इस अलैंगिक जनन में एक बहुकेंद्रीय जनक से बिना केंद्रक विभाजन बहुकेंद्रीय जीवों का निर्माण होता है। केंद्रक विभाजन के बाद केंद्रों की सामान्य संख्या को बनाए रखने हेतु उदाहरण अपेलाइना होता है, अब बात करेंगे अगले पर अपन मुकुलन। मुकुलन में क्या होगा तो देखते हैं। मुकुलन के दौरान जनक से नए जीव की उत्पत्ति एवं एक रूप में होती है। जो मुकुलन के दौरान जनक में जीव की उत्पत्ति एक के रूप में होती है, इसे यह मुकुलन कहलाता है। कुछ समय पश्चात यह मुकुलन जनक से दो पृथक होकर स्वतंत्र जीव यापन करता है, दो पृथक में बदल जाता है और अपना जीवन यापन करता है। मुकुलन दो प्रकार का होता है, बहिर्जात मुकुलन। यह प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। जो यह प्रक्रिया है बहिर्जात मुकुलन, यह प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। इसमें शरीर के बाहर कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे ईस्ट एवं हाइड्रा में। अब बात करेंगे ईस्ट में मुकुलन। ईस्ट में आसमान विभाजन द्वारा एक मुकुलन का निर्माण होता है जो जनक से जुड़ा रहता है। बाद में यह पृथक होकर नया जीव बनाता है। क्या होता है, ईस्ट में आसमान विभाजन होगा और विभाजन होने के बाद मुकुलन का निर्माण होता है, जनक इससे जुड़ा रहता है। जुड़ा रहने के बाद में विभाजन का पृथक होकर एक नया जीव बनता है। अब कभी कभी ईस्ट में कई मुकुलन पाए जाते हैं, और इन मुकुलों में पुत्री मुकुलन उपस्थित हो सकते हैं। यह अवस्था टोरुला वंश के समृद्ध होती है। यह अवस्था टोरुला अवस्था की प्रक्रिया को टोरुलेशन कहलाती है। चल दोबारा बताता हूँ, आपकी समझ में नहीं आया होगा। क्या है, कभी कभी ईस्ट में कई मुकुलन पाए जाएंगे, और इन मुकुलन पर भी पुत्री मुकुलन उपस्थित होते हैं। कभी कभी ईस्ट पर जो मुकुलन पाए जाएंगे उनमें कई विभाजन होंगे। यह अवस्था टोरुला वंश में समृद्ध होती है।
अतः यह अवस्था टोरु अवस्था है, यह प्रक्रिया टोरुलेशन कहलाती है। अब बात करेंगे अपन हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन क्या है, चलो देखते हैं। हाइड्रा के शरीर से निचले भाग में एक बाह्य मुकुलन का उभार निकलता है। जो हाइड्रा का निचले वाला हिस्सा होगा उससे बाहर मुकुलन निकलता है और निकलने के पश्चात निकलता है, जो बड़ा होने पर स्वतंत्र सिरे पर स्पर्धक का निर्माण करता है। यह मुकुलन पूर्ण विकसित होने पर हाइड्रा के शरीर से अलग होकर नए हाइड्रा का निर्माण करता है। जो हमारे ट्रेम्बले से साइंटिस्ट, उन्होंने इसी प्रकार का मुकुलन करने के पश्चात हाइड्रा से नौ सिर वाला हाइड्रा प्राप्त किया था, जिसे हम कहते हैं क्या, पुनरुद्ध भवन, जो छिपकली में भी और हाइड्रा में भी इसी प्रकार पाया जाता है। अब करेंगे नंबर 3 है सी, स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन, स्ट्रोबिलेशन में क्या होता, मुकुलन द्वारा खंडों के बार बार निर्माण की प्रक्रिया को स्ट्रोबिलेशन कहते हैं। जो मुकुलन है वो बार बार खंडित होंगे और खंडित होने के बाद वो स्ट्रेबिलेशन कहलाएंगे, जो स्ट्रेबिलेशन कहलाएंगे। उदाहरण में और लिया, और ए लिया। आंतरिक मुकुलन क्या होता है, अब बात करेंगे दूसरे भाग पर आंतरिक मुकुलन। स्वच्छ जलीय स्पंजों में वह कुछ समुद्री स्पंजों में मुकुलन कलिकाएं शरीर के अंदर उत्पन्न होती, लघु पत्र कलिकाएं या कैप्सूल कहते हैं। इस प्रकार के कैप्सूल को कैप्सूल कहते हैं। अगर आप कलिका क्या होती है, बड, बड के बारे में बात करेंगे। ये क्या होती है, कभी कभी पादपों की पत्तियों व तने के अग्रभाग पर बहुकोशीय हरे रंग की रचनाएं निकलती है। जो कभी कभी पादपों पर होगी, पादपों पत्तियों व तने में अग्रभाग पर बहुकोशीय हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं, जो कलिका कहलाती है। ये कलिकाएं मात्र पादप से पृथक होकर अंकुरण द्वारा नए पादपों का निर्माण करती हैं। प्रत्येक कलिका में 8 से 12 कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो प्रत्येक कलिका होगी उसमें 8 से 12 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें अनुप्रस्थ पर लंबवत पट के होते हैं, उदाहरण जैसे कि फ्यूनेरिया में, फ्यूनेरिया में होते हैं। नंबर 6 है बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन में क्या होता है, बीजाणु जनन एक कोशीय पतली भित्ति युक्त अनुगत अलैंगिक जनक होते हैं या जननकाय होते हैं, जनन कह सकते हैं या जननकाय होते हैं। इनका निर्माण प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं। इनका निर्माण प्रायः बहुत अधिक संख्या में होता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जो बीजाणु हैं वो एक कोशिकीय, दोबारा बता रहा हूँ मैं, बीजाणु को एक कोशिकीय पतली नियुक्त भित्ति युक्त, जो पतली भित्ति युक्त अनुगत अलैंगिक जननकाय होते हैं। इनका निर्माण प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं। इनका निर्माण प्रायः कुछ अधिक संख्या में होता है। ये निम्नलिखित होते हैं, अब आपको कल बताएंगे चल बीजाणु और अचल बीजाणु में क्या है और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हों, और हाँ, आपको हर चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नया चैनल जो मैंने बनाया है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।